तो नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस नए वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे, चंद्रमा जब आपके लग्न कुंडली में 12वें भाव में स्थित होंगे तो आपको क्या रिजल्ट देंगे। देखिए, 12वां भाव, सबसे पहले हम समझ लेते हैं चंद्रमा के रिजल्ट्स को समझने के लिए। 12वां भाव हमारा जो अंडरवर्ल्ड है, जो हमारा जो भी बिहाइंड द सीन का जो काम है, यानी पर्दे के पीछे जो कुछ भी काम होते हैं, या जो काम हमें नजर नहीं आता, जिसमें एज ए बिहाइंड द सीन कोई काम किया गया होता है, यानी पर्दे के पीछे की जो बातें हैं, पर्दे के पीछे के जो काम हैं, वो सब 12वें भाव से देखे जाएंगे। तो 12वां भाव पारलौकिक शक्तियों का है, 12वां भाव अध्यात्म का है। आप कोई चैरिटी से जुड़ते हैं, चैरिटी का काम करते हैं, तो वो सब ये 12वां भाव ही दिखाता है। 12वां भाव आपका फॉरेन सेटलमेंट है। इसके अलावा 12वां भाव आपकी लगन कुंडली में अंतिम भाव है। तो ये आपका जो लगन, जहाँ से आपका लगन स्थित है, वहाँ से 12वें भाव तक जाते जाते आपकी लाइफ का एंड हो जाता है। तो ये मोक्ष का भाव भी है। तो 12वां भाव काफी इंपॉर्टेंट है, 12वां भाव आपको मोक्ष दिला सकता है। इसके अलावा 12वां भाव है लॉस का, खर्चे का, धन के खर्चे का। और 12वां भाव हमारा जो शयन कक्ष है उसको भी दिखाता है। और हमारी नींद से जुड़ी हुई जो भी आदतें हैं, नींद नींद का जो हमारा जो रूटीन है डेली लाइफ का, उसको ये दिखाता है। तो जिस जातक का 12वां भाव पीड़ित होगा या अच्छा नहीं होगा, उसको कई बार बहुत लेट तक नींद नहीं आएगी, या उसको स्लीपिंग डिसऑर्डर की समस्या रहेगी, ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो 12वां भाव काफी इंपॉर्टेंट है। 12वां भाव सजा का है, पनिशमेंट का है, लॉस का है और जेल का है, जेल यात्रा का है। इसके अलावा 12वें भाव के फायदे बहुत ही ज्यादा हैं। अगर आप फॉरेन से फायदा लेना चाहते हैं, फॉरेन से कुछ धन कमाना चाहते हैं, तो 12वां भाव आपको अवश्य देखना पड़ेगा। फॉरेन में सेटलमेंट चाहते हैं तो 12वां भाव आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये आध्यात्म की दुनिया का है, इंट्यूशन का है। आपको इंट्यूशन कितना अच्छा आता है किसी काम के प्रति, वो सब 12वें भाव से देखा जाता है। तो अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपकी माताजी को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा आपके मन का कारक है। चंद्रमा आपका मन है। आप किस प्रकार से सोचते हैं, आप किस प्रकार से प्लानिंग करते हैं, आपकी डिसीजन पावर कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, ये सब चंद्रमा दिखाते हैं। चंद्रमा का संबंध हमारे जो इमोशंस हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, उन सब से है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इमोशनल स्टेटस है, माइंड का जो मन का स्टेटस है, इमोशनल स्टेटस विशेष रूप से, उसको रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। और चंद्रमा जैसा प्लेनेट अगर 12वें भाव में हो, तो 12वें भाव में चंद्रमा को इतना अच्छा नहीं कहा जाता। चंद्रमा की प्लेसमेंट को 6, 8 और 12वें भाव में अच्छा नहीं माना गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6, 8, 12 में चंद्रमा जब भी स्थित होंगे तो आपको हमेशा ही खराब रिजल्ट ही देंगे। कुछ रिजल्ट अच्छे भी देते हैं और कुछ खराब रिजल्ट भी देते हैं। तो प्रत्येक भाव में चंद्रमा के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे भी हैं और खराब भी हैं, लेकिन विशेष रूप से 6, 8, 12 में चंद्रमा के रिजल्ट थोड़े ज्यादा खराब होते हैं। अब यहां भी ये कंडीशन बनती है, अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए अगर चंद्रमा पर 12वें भाव में, तो और भी जो रिजल्ट हैं वो अच्छे हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। और अगर क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत ज्यादा खराब भी हो जाते हैं। अब जैसा कि आपको पता है, चंद्रमा बहुत ज्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है और दूसरे ग्रहों का जो प्रभाव है, विशेषकर क्रूर ग्रहों का, वो इस पर बहुत ही ज्यादा पड़ता है, बहुत जल्दी पड़ता है। तो कोई भी ग्रह इसको बहुत जल्दी प्रभावित कर सकता है, अगर वो इसके साथ युति करता है, अगर वो इसके साथ दृष्टि संबंध बनाता है किसी भी प्रकार से। तो ये स्थिति आपको देखनी पड़ेगी आपकी कुंडली में, कि 12वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो किस ग्रह के साथ युति कर रहे हैं, और किन किन ग्रहों का संबंध आपके 12वें भाव से बन रहा है, दृष्टि संबंध बन रहा हो, और आपका जो 12वां लॉर्ड है, 12वें भाव का जो स्वामी है, वो कहाँ बैठा है कुंडली में, ये भी आपको अवश्य देखना पड़ेगा। तो 12वां भाव आपके हॉस्पिटल के खर्चों को दिखाता है, आपकी बीमारी को दिखाता है, और आपकी जो यहाँ से इस संसार से, इस भौतिक जगत से जो आपकी विदाई होगी, विदाई के बाद आप कहाँ जाने वाले हैं, आपको मोक्ष मिलने वाला है या नहीं है, ये सब आपको 12वां भाव ही बताता है। तो कहीं ना कहीं 12वें भाव का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। अब चंद्रमा जब यहाँ आ जाते हैं, तो ऐसे जातक हो सकता है कई बार लाइफ में इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी अनिच्छा से लेनी पड़ गई हो, और ये अपने इमोशंस को छुपाते हैं।
इसके अलावा ये कई बार ये नहीं बता पाते कि इनके मन में क्या चल रहा है, या इनके मन में जो कोई भी बात होती है, जो कोई ये किसी और के साथ डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर ये काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और इनका मन चूंकि स्ट्रांग नहीं होता चंद्रमा के 12वें भाव में होने से, तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते किसी चीज़ को, किसी बात को एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं इनके मन में जो कुछ भी होता है वो निकल कर बाहर नहीं आता, तो ये एक तरह से चीज़ों को छुपाते हैं, ये बातों को छुपाते हैं और ये विशेषकर अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से छुपा लेते हैं। तो ऐसे जातकों का जो मन है वो स्ट्रांग नहीं होगा। अब जब मन स्ट्रांग नहीं होगा तो आप एक तो तेजी से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप फास्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्विक डिसीजन नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो लाइफ में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना होता है और टाइम बहुत ही कम होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो हालत है वो ख़राब हो जाती है, या आप बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, या आपका मन जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उस वजह से आप बहुत जल्दी सोच नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं, तो वो जो इवेंट होता है आपकी लाइफ का वो बीत जाता है और उसके बाद आपको उस इवेंट का जो आपको जहाँ डिसीजन लेना था, अच्छा डिसीजन लेना था, क्लियर डिसीजन लेना था, उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। इसके साथ ही साथ ऐसे जातकों को बहुत बार लाइफ में गलत डिसीजन की वजह से नुकसान होता है और इनको विशेषकर धन का बहुत ज़्यादा खर्चा करते हुए देखा गया है। इनको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा लापरवाह देखा जाता है और ये बहुत ज़्यादा एक तरह से ज़्यादा खर्चा करने वाले होते हैं और इनका जो शेड्यूल है वो बहुत ही अलग होता है, यानी इनका कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता है, इनकी कोई प्रॉपर दिनचर्या नहीं होती और ये अपने जो डेली का वर्क है उसको लेके कई बार स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि इनको अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा शत्रुओं का या प्रतियोगियों का सामना भी करना पड़ता है। तो 12वें भाव में चंद्रमा जब भी स्थित होते हैं तो इस प्रकार की समस्याएं देते हैं। इसके अलावा आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में हाइड करके रखेंगे अगर चंद्रमा 12वें भाव में स्थित हो। चंद्रमा के 12वें भाव में स्थित होने से आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो जबरदस्त होगी, आपको बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर मिलेगी और आप पारलौकिक जो जगत है उससे जुड़ेंगे, तो सुपर नेचुरल जो पावर है वो आपको मिलेगी और होने वाली घटनाओं का आइडिया अंदाजा आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। चंद्रमा के 12वें भाव में होने से आप काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, आप पूजा पाठ में या धार्मिक कामों में, ऐसे कामों में बहुत ज़्यादा मन आपका लगेगा या आप अपना ध्यान लगाएंगे, तो आप एक बहुत अच्छे साधु हो सकते हैं, संत हो सकते हैं। और जो भी काम ऐसे होते हैं जो बिहाइंड द सीन होते हैं, जो लोगों के एकदम से सामने नहीं आते, जो थोड़े गोपनीय होते हैं या पर्दे के पीछे होते हैं, वैसे कामों में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये जो चंद्रमा की 12वें भाव में स्थिति है, ये विशेषकर जो नन होते हैं या जो नर्सेज होते हैं या जो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उनके कुंडली में देखा जाता है। इसके अलावा जो भी कलाकार हैं, बहुत बड़े जो कलाकार हैं, उनका स्टूडियो भी एक तरह से 12वें भाव को रिप्रेजेंट करता है। तो 12वां भाव वो है जहाँ पे आप अपनी किसी भी काम के लिए तैयारी करते हैं, आप जहाँ पे अपने काम के लिए तैयार होते हैं, आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। और 12वां भाव वो है जहाँ पर आप अकेले बैठकर कुछ चिंतन करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ अपने बारे में, कुछ इस संसार के बारे में, हम संसार में क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हमने अपना उद्देश्य पूरा किया है, ये सब हम सोचते हैं। तो ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक आध्यात्मिक फील्ड में बहुत अच्छे फेमस भी हो सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं किसी भी बात को। इसके अलावा अध्यात्म से ये जुड़े रहते हैं और इनके मन में एक धारणा होती है जो ये होती है कि इनको लोगों का कल्याण करना है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ये इनका मन थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो उसकी वजह से इनका मन काफ़ी पवित्र होता है, ये कुछ गलत काम कई बार नहीं कर पाते और गलत काम ये करते भी नहीं है। अगर यहाँ पर किसी भी क्रूर ग्रह का एस्पेक्ट पड़ गया या कुछ और ऐसे ग्रह का युति बन गया चंद्र के साथ, तब ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तब ये गलत कामों से पैसा कमाना या गलत काम करना उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर अकेला चंद्रमा हो तब इसकी संभावना कम ही बनती है। इसके अलावा ये बहुत जल्दी कोई भी जो समस्या आती है उससे निपट नहीं पाते हैं। इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे, ऐसे अनुभव देखने को मिलेंगे, जब लाइफ में कोई संकट आता है तो आप बहुत जल्दी से अपने आप को संभाल नहीं पाते और ये इनका जो अनुभव है अगर ये दूसरे लोगों के साथ बांटते हैं,
अगर ये जो लोग परेशानी में हैं, जिनकी ये सेवा करना चाहते हैं, उनको अगर ये चीज़ बताते हैं, ये बातें बताते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति हो सकती है और ये दूसरों को इंस्पायर करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा बारवा भाव है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बारवा भाव आपको एक सुपर नेचुरल पावर देता है इस संसार को समझने के लिए, इस संसार में होने वाली घटनाओं को समझने के लिए, और जो भी आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपके ड्रीम्स भी इसी हाउस से रिलेटेड होते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर आपको अच्छे सपने या बुरे सपने दिखाने के लिए जिम्मेदार होता है। आपकी नींद का पैटर्न क्या है, आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, आपका डेली का रूटीन क्या है, सोने उठने का, खाना खाने का, ये सब दिखाता है। इसके अलावा चंद्रमा यहाँ पर देखिए बारवा भाव है, तो चंद्रमा वैसे जलीय है, यानी जल से जुड़ा हुआ ग्रह है, तो ये वाटरली प्लेनेट है, तो उस वजह से आपको जो जलीय स्थान है उनकी यात्रा अवश्य हो सकती है लाइफ में, और हो सकता है आप अपना जो भी जिस जगह पे आपने जन्म लिया है उस जगह से दूर जाकर, उस स्थान से दूर जाकर, अपने बर्थ पैलेस से दूर जाकर आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के होने से आप थोड़े हमेशा डिसीजन लेने में पीछे रहेंगे, गलत डिसीजन की वजह से लाइफ में नुकसान बहुत होगा, और इसकी वजह से आपके जो इमोशंस हैं, जो आपका मन है, वो बहुत ही जल्दी प्रभावित भी होगा, जिससे आप और गलत फैसले ले लेंगे, आप बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे, आप गलत कदम उठा लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर चंद्रमा हो तो कोई भी जातक है उसकी सैलरी अचानक काट ली जाती है, उसको अचानक धन का किसी न किसी तरह से नुकसान हो जाता है, उसको कोई पनिशमेंट मिल जाती है, यानी ऐसा जातक बहुत जल्दी किसी इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा जाता है, या ऐसा जातक बहुत जल्दी उसकी कमजोरी कहीं ना कहीं सामने आ जाती है, उसका गलत काम बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, तो उसको नुकसान बहुत जल्दी होता है। इसके अलावा क्योंकि चंद्रमा है यहाँ पर और ये बारवा भाव है वो खर्चों का है, तो ये खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इनके पास जो कैश है वो भी कई बार नहीं बचता, इनको समस्या काफ़ी आती है। तो एक तरह से बारहवें भाव में चंद्रमा का होना अच्छा भी है और बुरा भी है। अब चंद्रमा यहाँ पर है तो आप कोई ऐसे फील्ड में ही अवश्य सक्सेस हो सकते हैं जहाँ पर आपको लोगों के सामने बहुत ज़्यादा नहीं जाना, लेकिन पर्दे के पीछे जो आपकी क्रिएटिविटी है वो आपने ही की है, किसी चीज़ को आपने बनाया है, कोई आपने मूर्ति बना दी, कुछ और बना दिया, या कोई ऐसा आपने मंत्र बना दिया, या कोई ऐसी आप लोगों को गाइडेंस देते हैं, कुछ सलाह देते हैं, या कोई ऐसी बात बताते हैं, क्योंकि आपको जो पारलौकिक जगत है उसका ज्ञान भी होगा, तो आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, आप लोगों को एक अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान आप दे सकते हैं और लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए आप ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। आपका मन कई बार बहुत ज़्यादा कठोर निर्णय नहीं ले पाता, यानी किसी के खिलाफ आपको निर्णय लेना है तो वो आप नहीं ले पाएंगे, आप किसी के साथ कई बार बुरा नहीं कर पाएंगे, जबकि दूसरे लोग आपके इस आदत का फ़ायदा उठाकर आपके साथ बुरा काम कर लेंगे, आपका फ़ायदा उठा लेंगे, आपको नुकसान पहुंचा देंगे। ऐसे जातकों को जिनका चंद्रमा बारहवें भाव में है, इनको शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशानी कई बार देखी गई है, और इसके अलावा इनके जो प्रतियोगी होते हैं, जहाँ पर भी ये काम करते हैं वहाँ पर इनके प्रतियोगी इनके पीछे पड़े रहते हैं और इनको हमेशा नुकसान पहुँचाने की सोचते हैं। इसके अलावा ऐसे जातकों को सरकार के द्वारा कोई पनिशमेंट मिल सकती है, कोई इन्वेस्टिगेशन में इनका डिफेम हो सकता है, या बारहवें भाव में चंद्रमा है तो ऐसे जातकों के जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और किसी क्रूर ग्रह की एस्पेक्ट पड़ रही हो या कोई क्रूर ग्रह यहाँ पर साथ में बैठा हो तो भी ऐसे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इनके मैरिड लाइफ, अगर चंद्रमा यहाँ पर अच्छी स्थिति में नहीं हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है और मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती। इसके अलावा चूँकि चंद्रमा है वो मदर को दिखाता है, तो आपकी मदर के साथ भी आपके जो रिलेशन है वो कई बार ठीक नहीं रहेंगे, आप उनके साथ अपने रिलेशन को लेके सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। इसके साथ ही आपके माताजी का जो स्वास्थ्य है वो बार बार कमज़ोर पड़ता रहेगा और उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, तो ये स्थिति रहेगी। और चंद्रमा आपकी माताजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका जो इमोशनल स्टेटस है वो दिखाता है चंद्रमा, इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी माताजी को आपकी माताजी के द्वारा आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस लाइफ में मिली हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा अगर बारहवें में है तो
तो ये आपके ऊपर आपकी माताजी का एक स्ट्रोंग इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा प्रभाव कह सकते हैं, चाहे अब ये पॉजिटिव हो चाहे ये नेगेटिव हो। अब यहाँ पर चंद्रमा है तो कई बार आप बहुत ज़्यादा, कई बार किसी और को सजा मिलनी होती है लेकिन आपको मिल जाती है, कई बार आपने कुछ गलत किया ही नहीं लेकिन फिर भी आपको नुकसान उठाना पड़ता है, तो आप कुछ भी गलत काम करते हैं तो आप बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। इसके अलावा कई बार आपका जो डिसीजन होता है वो बहुत ही गलत होता है, तो गलत डिसीजन की वजह से भी बहुत नुकसान होता है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, खुद की भी ठीक नहीं रहती, और माइंड, आपका जो माइंड है उसको एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए आपको या तो कुछ उपासना वगैरह करनी पड़ती है या मेडिटेशन करना पड़ता है, क्योंकि आपका माइंड है वो बिल्कुल कई बार अपसेंट होता है, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से आपका माइंड अपसेंट होता है, वहाँ पे वो उपस्थिति नहीं होता। इसके अलावा आप बहुत गहराई से सोचने वाले थिंकर होंगे, तो आप आध्यात्म की चीज़ों के बारे में, आपको मृत्यु के बारे में और आपको जो पारलौकिक शक्तियाँ हैं उनके बारे में बहुत नॉलेज भी हो सकता है, या आपके विचार कुछ इस तरह के हो सकते हैं इन सब के बारे में जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। इसके अलावा एक अलग ही मेंटेलिटी आपकी रहेगी और आप थोड़े से सॉफ्ट मन वाले होंगे, बहुत पवित्र दिल वाले होंगे, तो आप किसी के साथ भी गलत नहीं कर पाएंगे, आप किसी का नाजायज फायदा नहीं उठा पाएंगे। अब विभिन्न जो ग्रह आते हैं यहाँ पर तो वो अलग-अलग प्रभाव देते हैं। अब जैसे सूर्य आता है तो सूर्य आपके आत्मा से संबंध रखते हैं, सूर्य सरकार से संबंध रखते हैं, सूर्य आपके फादर से संबंध रखते हैं। सूर्य का यहाँ आना आपको सरकार की तरफ से कोई ब्लेम किया गया हो, सरकार की तरफ से कोई आपके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाई गई हो, या कुछ ऐसा जुर्माना और लगाया गया हो जो धन से संबंधित हो, या आपकी जो जॉब हो वो ऐसी हो कि वहाँ पर आपको बार-बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो। और चूंकि यहाँ पर सूर्य है वो एक अच्छा लाइट देता है, एक बहुत बड़ी टॉर्च सूर्य है, तो इस भाव को जब वो सूर्य आ जाएंगे यहाँ पर तो आपको और गहरा नॉलेज होगा आध्यात्मिक चीज़ों का, और आप कुछ ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होंगे, आध्यात्मिक फील्ड में जो जिनको काफ़ी अच्छा अनुभव होगा। तो यहाँ पर चंद्रमा का आना और सूर्य का साथ आना यहाँ पर आपके लिए कई बार कुछ केसेस में अच्छा नहीं होगा, कुछ केसेस में अच्छा होगा। अब अगर चंद्रमा भी खुद भी अगर उच्च के स्थित हैं या नीच के होकर स्थित हैं तो भी बहुत फर्क आपके ऊपर पड़ेगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर शुक्र आ जाते हैं चंद्रमा के साथ तो आपको ये बहुत ज़्यादा खर्चीला बना देगा, आप बहुत ज़्यादा उपभोग करेंगे, लग्जरियस चीज़ों का बहुत उपभोग करेंगे, हालांकि आप बहुत अच्छे विद्वान हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपका मन बहुत पवित्र हो सकता है, लेकिन आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ को बचा नहीं पाएंगे, विशेषकर धन को और आप जो भी सुख सुविधा युक्त जो चीज़ें हैं उनको। इसके अलावा शुक्र का यहाँ आना पुरुष के लिए भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बना देता है। यहाँ पर अगर बृहस्पति आ जाते हैं तो बृहस्पति देखिए आपको मोक्ष दिला सकते हैं, आपको आध्यात्म में ज़्यादा रुचि पैदा करेंगे, आपको पारलौकिक जगत को जानने में ज़्यादा हेल्प करेंगे। शनि के साथ भी ऐसा ही है, अगर शनि भी आ जाते हैं तो शनि थोड़ा सा आपको सजा भी दिलाएंगे, यहाँ पे कारावास की सजा, जेल की सजा भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर शनि भी कहीं ना कहीं मोक्ष दिलाने की कोशिश आपको अवश्य करेंगे, आपको तंत्र मंत्र की तरफ ले जाने की कोशिश अवश्य करेंगे। केतु का भी ऐसा ही है, केतु भी आपको इसी मार्ग की तरफ ले जाएंगे, और 12वां केतु हो चंद्रमा के साथ तो कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ आप अवश्य जाएंगे एक समय के बाद। इसके अलावा आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इन ग्रहों के आने से, और आप भविष्य में होने वाली घटनाओं का बहुत जल्दी अंदाजा लगा सकेंगे, तो आप एक भविष्य वक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छे भविष्य वक्ता हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर मंगल जैसा ग्रह आ जाता है तो आपकी मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब हो ही जाती है, और वैसे भी आपका अगर बृहस्पति है या सूर्य है या कोई और केतु जैसा प्लैनेट है तो आपका जो मैरिड लाइफ हो वो निश्चित रूप से डिस्टर्ब होगा, और चंद्रमा के अकेले होने से भी कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई और प्लैनेट आता है, राहु जैसा प्लैनेट आ जाता है, तो इंट्यूशन पावर कमाल की होगी, विदेशों से लाभ हो सकता है लेकिन सजा भी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा कई बार नुकसान हो सकता है। राहु की प्लेसमेंट अगर यहाँ पर अच्छी हुई तो आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन फॉरेन लैंड में आप अवश्य जाएंगे, विदेश जाएंगे, विदेश से बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा, लेकिन अगर अच्छी स्थिति नहीं हुई यहाँ पर
तो आपके लिए समस्याएं हो सकती हैं, आपको भूत प्रेत आदि सपने में दिख सकते हैं और पारलौकिक शक्तियों का बहुत ही ज्यादा अनुभव आपको होता रहेगा। आप दिन में सपने देखने वाले इंसान होंगे और राहु के यहाँ पर चंद्रमा के साथ होने से आप जो मन से बहुत ज्यादा भयभीत होंगे, कई बार आपका मन बहुत ज्यादा डरपोक टाइप का होगा, तो ऐसे में इंसान बहुत ज्यादा डरपोक भी होगा। इसके साथ ही अगर कोई और ग्रह यहाँ पर आ जाता है, जैसे बुध आ जाता है, तो बुध आपकी वाणी को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बोलने से संबंधित भी समस्या हो सकती है या त्वचा से संबंधित कोई रोग हो सकता है या धन का बहुत ज्यादा आप खर्चा करेंगे किसी भी वजह से, तो कुछ ना कुछ आपको समस्या आती ही रहेगी। इसके अलावा अन्य जो ग्रह है वो यहाँ पर अपने अपने अनुसार यहाँ रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा का या इनके साथ कोई भी अन्य ग्रह का यहाँ आना आपके लिए थोड़ी सी अच्छी स्थिति नहीं है। अगर चंद्रमा यहाँ पर अपने ओन साइन में है, अगर कर्क राशि के हैं या उच्च के हैं, तो फिर भी थोड़ा ठीक हम कह सकते हैं, लेकिन वैवाहिक जो जीवन है उसका भी आपको पूरा सुख इस स्थिति में नहीं मिलता। आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, बहुत प्रॉब्लम में आप गुजर सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा का यहाँ होना आपके मन को बहुत ज्यादा डरा देता है, बहुत ज्यादा भयभीत कर देता है, तो आप कई बार आप किसी कहीं लूट का शिकार हो जाएंगे, कई बार आप चोरों का शिकार हो जाएंगे, आपके घर में चोरी हो जाएगी, आपकी कोई चीज चोरी हो जाएगी, कहीं से भी हो जाएगी, घर में हो या कहीं बाहर हो। लेकिन ऐसे जातकों का ये देखा गया है कि ये बिहाइंड द सीन काम करके बहुत ज्यादा अच्छे फेमस हो सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपको घर से दूर जाना चाहिए, अगर चंद्रमा 12वें भाव में स्थित है तो घर से दूर जाना चाहिए। पूरी लाइफ में हमेशा मेडिटेशन आपको अवश्य करना चाहिए और शिव जी की उपासना आपको निश्चित रूप से करनी चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा की अष्टोत्तरशत नामावली का पाठ अवश्य करना चाहिए, जितना आपके लिए अच्छा हो सके आपको चंद्रमा को स्ट्रोंग करना चाहिए। और यहाँ पर जब चंद्रमा होंगे तो आपका जो मेंटल स्टेटस है वो एक अलग ही टाइप का होगा, एक अजीब टाइप का होगा, और कई बार आप अजीब अजीब डिसीजन भी लेंगे, तो कई बार आप एकदम अलग अनुभव करते हैं लाइफ में, बहुत अलग आपके अनुभव होंगे जो सामान्य लोग हैं उनसे, और वो अनुभव जब आप लोगों के सामने शेयर करेंगे, उनके साथ अपना जो मत है वो शेयर करेंगे, तो लोगों को कई बार अचंभा भी हो सकता है, क्योंकि आपको पारलौकिक जो जगत है उसका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उसका नॉलेज काफी होगा। आप मोक्ष के विषय में पढ़ना पसंद करेंगे, मोक्ष के विषय में जानना बहुत पसंद करेंगे, मृत्यु के बारे में जानना पसंद करेंगे और इस बारे में जानना बहुत अधिक पसंद करेंगे कि व्यक्ति का जो यहाँ पर जो साइकिल है, जो इनका जो समय चक्र होता है, फिर जब अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है, वो क्या बनता है, अगला जन्म उसका होता है या नहीं होता है, इन सब बातों में आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। इसके अलावा चंद्रमा 12वें भाव में तो आप एक बहुत अच्छे दार्शनिक हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, या कि आप बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, तो ये चांसेस बनते हैं। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।